नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में शब्द ज्ञान के बारे में जो हमने पढ़ाया था आपको, लिंग, वचन, पुरुष। आज शब्द ज्ञान में शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द ज्ञान में शब्द रूप में शब्दों के अनेक रूप होते हैं। क्या होते हैं, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। शब्द ज्ञान में शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द है राम। ठीक है, ये राम शब्द है, इसके रूप बनते हैं, तो ये संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है या विशेषण हो सकता है। तो आपको पता ही है कि राम शब्द जो है वो संज्ञा होता है। संज्ञा की परिभाषा जानते हैं ना, किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या है ये संज्ञा? संज्ञा ये राम संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से सर्वनाम, सर्वनाम जो होता है वह यह, सर्वनाम क्या होता है जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, यह, वह, ये, वे इत्यादि जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण बच्चों वो कहलाते हैं जैसे कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषण बताते हैं, जैसे कि हमने कहा राम। अब हम राम की विशेषता यदि बता दिए, कह दिए शक्तिशाली राम, शक्तिशाली राम, तो शक्तिशाली क्या है? राम की विशेषता बता रहा है, राम संज्ञा है, तो शक्तिशाली क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये जो संज्ञा है, कहने का तात्पर्य तो बस इसमें इतना ही है कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन ही शब्दों के रूप बनते हैं। ठीक है, शब्द रूप जिसे कहते हैं। अब ये देखिए क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में विभक्तियां जोड़ने से पद बनते हैं। अब सही बात है, मान लीजिए हम कह दिए कि एक राम को ही लेके चलते हैं, या फिर कह दिए पुस्तक कह दिए। ठीक है, क्या कह दिए? पुस्तक। अब पुस्तक तो एक शब्द हो गया, लेकिन जब हम इस पुस्तक में विभक्ति जोड़ेंगे तब वो विभक्ति क्या हो जाएगी? हमारे पद बन जाएगी, किसी भी वाक्य में रखने के काबिल हो जाएगी ना। तो जैसे कि पुस्तक में हम लगा दिए, प्रथमा चलता है पुस्तकानि। ठीक है, क्या चलता है? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ठीक है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो अब ये हो गया, पुस्तकम मतलब एक पुस्तक, पुस्तके मतलब दो पुस्तक, और पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें। और यदि हम कहें कि यदि हम कहते हैं पुस्तकाय, यदि हम कहें पुस्तकाय, तो एक पुस्तक में ये आय लगा करके हमने चतुर्थी विभक्ति एक वचन बना दिया। क्या बना दिया? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो अब ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनने के बाद ये पुस्तकाय किसी भी वाक्य में रखने के काबिल हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया? पुस्तक के लिए, इसका तात्पर्य है पुस्तक, पुस्तक के लिए। ठीक है, पुस्तक के लिए पढ़ते हैं, छात्र पुस्तक के लिए पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा कि छात्र, छात्रा, या कहते हैं ना छात्र पुस्तक के लिए पढ़ते हैं, जो छात्र क्या हो गया? बहुवचन हो गया, बोलेंगे छात्रा पुस्तकाय, छात्रा पुस्तकाय, क्या हो जाएगा? पठंती, छात्र पुस्तक के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना, जब भी हम संज्ञा हो, ये तो हमने संज्ञा बताया, अब इसी तरह से सर्वनाम है और विशेषण भी है, उन सब में विभक्तियां लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है, जो हम वाक्य में रख सकते हैं। फिर क्या है? शब्द रूपों, शब्द रूप
वाक्यों यानी पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए किया जाता है। तो ठीक है, बात सही भी है। शब्द रूप जो होते हैं उनका प्रयोग, पहले तो हम विभक्ति लगा दिए शब्द रूप में, ठीक है। अब शब्द रूप जो है वो तो पुल्लिंग में होगा, कोई भी शब्द रूप है, या तो राम है तो राम तो पुल्लिंग है तो वो पुल्लिंग में चलेगा रूप, या तो सीता कह दिए वो स्त्रीलिंग हो गई तो सीता का रूप चलेगा, और यदि हम पुस्तक कह दिए वो नप हो गया नपुंसक लिंग, तो पुस्तक का रूप चलेगा। और सभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सारे वचन प्रयोग किए जाते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि संज्ञा शब्द का रूप बनाने के लिए दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये तो बात है कि संज्ञा जो शब्द होता है, जैसे कि राम है, अभी हमें इसे पहचान, इसे प्रश्न तो उतने नहीं बनते हैं लेकिन हमें पहचानने आना चाहिए क्या कि जैसे राम है, जगत है, तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों को हम हम सर्वनाम और विशेषण की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो संज्ञा शब्द को हम दो रूपों में बांट देते हैं, एक स्वरांत और दूसरा व्यजनांत। स्वरांत को हम बोलते हैं अजंत और व्यजनांत को बोलते हैं हलंत। ये अजंत और हलंत क्या है? अजंत ये च को ज हो गया है, अच में जानते हैं ना सारे स्वर आते हैं, आपको आप माहेश्वर सूत्र पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र में जब आप अच पढ़ेंगे तो इसमें सारे स्वर आ जाएंगे आपके, अ ई उ, अब ड़ा भी इत होता है उसको छोड़ दिए, ई उड़ा, री री क को छोड़ दिए, अ उड़ा रिड़ी, ए ओ अंग को छोड़ दिए, फिर ए औ, इतने सारे स्वर हो गए, ये सारे स्वर क्या हो गए, ये सारे स्वर आपके स्वरांत हो गए, अजंत हो गए, ठीक है। अब व्यंजनांत हलंत, अब ये व्यंजनांत क्या होते हैं, जो हल हैं, जितनी भी व्यंजन आएंगे, जितनी भी आपकी व्यंजन हैं वो हलंत होते हैं, हल में, हल प्रत्याहार में। ये जो एक मिनट, ये हल प्रत्याहार है ना, हल प्रत्याहार में जब माहेश्वर सूत्र में गिनेंगे तो जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे व्यंजनांत होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो जिस भी शब्द का अंत स्वर से हो उसको हम स्वरांत बोलेंगे, और जिस भी शब्द का अंत व्यंजन से हो, ठीक है, किससे हो, व्यंजन से हो, उसको हम व्यंजनांत बोलेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्वरांत में कौन कौन से और भी स्पष्ट हो जाता है जब आप इसको देखेंगे, तो स्वरांत में कौन कौन से शब्द आएंगे, तो पहले इसको देखिए, जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं, अभी हम बताएं, उन्हें स्वरांत कहते हैं, ठीक है। स्वरांत का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, अकारांत, अब स्वर है ना, जितने भी स्वर हैं उनके आगे, उनके अंत में आप आंत लगा दीजिए, अकारांत, आकारांत, ठीक है, और एक इकारांत, ईकारांत, ओकारांत, औकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत और एकारांत, इस टाइप से जितने भी स्वर आएंगे उसके अंत में जब आप एकांत लगा देंगे, अकांत लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अकांत, तो वो शब्द क्या बन जाएगा, स्वरांत हो जाएगा, उसकी पहचान हम करेंगे स्वरांत से, ठीक है। अब जैसे कि देख लीजिए, नर आया, और स्पष्ट कर देते हैं नर, अब नर के अंत में क्या आ रहा है, न, कैसे लिखते हैं न, अ, तभी तो बना न, फिर र, फिर अ, अब अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी कि ये शब्द कैसा हो गया, अकारांत हो गया, ठीक। अब वैसे ही उकारांत शब्द है, देखिए गुरु, अब गुरु को जब आप तोड़ेंगे तो अंत में क्या आएगा, ऊ आएगा, ठीक, तो ये हो गया उकारांत। कवि, अब कवि के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये हो गया ईकारांत। नदी में ईकारांत, ईकारांत हो गया। लता हो गई आपकी आकारांत। पितृ हो गया ऋकारांत, उगो ओकारांत, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ,
इसको तो और बड़ा कर ले। अब आइए देखिए, व्यंजनांत अंग इय म य, इन व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजन से अंत होने वाले शब्द इनमें भी शब्द वो क्या कहलाते हैं, व्यंजनांत कहलाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन कौन से हैं, च ज त द ध न श, ये मूर्धन्य श स दंत स ह व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त किए जाते हैं। ये अधिकतर कहाँ है, लेकिन कहने का तात्पर्य इसका यह है कि अंग य अंग य म य इन चार व्यंजनों को छोड़ करके जो भी व्यंजन आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजनांत हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और इनमें से ज़्यादातर प्रयुक्त क्या किए जाते हैं, च ज त द ध न तालविश मूर्धनिश दंत स ह, व्यंजन ज़्यादातर प्रयुक्त किए जाते हैं। व्यंजन से अंत होने वाले शब्द ये ज़्यादातर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। देखिए अब व्यंजनों की गणना कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। व्यंजनों व्यंजनांत रूपों की गणना, अब च आया अंत में, किसी भी शब्द के अंत में च आया तो उसको हम क्या बोल देंगे, चकारांत। क्या बोल देंगे, चकारांत। इसमें भी आंत आ रहा है, बस अंतर इतना है कि ये व्यंजन से अंत हो रहा है, तो ये चकारांत हो गया। फिर जकारांत, वैसे ही तकारांत, दकारांत, धकारांत, शकारांत, सकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, मूर्धनिश है शकारांत, हकारांत, ठीक है। इस कोई भी व्यंजन होगा उसके अंत में जो भी व्यंजन आएगा उसी व्यंजन के अंत में आप आंत लगा करके शब्द बना देंगे और पहचान कर लेंगे कि ये व्यंजनांत शब्द है, ठीक है। अब ये देखिए, जगत, जगत के अंत में क्या आ रहा है, त आ रहा है, तो ये शब्द कैसा हो गया, तकारांत हो गया। राजन, राजन के अंत में न है, तो ये शब्द कैसा हो गया, नकारांत। दिश, दिश के अंत में क्या है, श है, तालव्य श है, कैसा श है, तालव्य श, तो ये क्या हो गया, नकारांत, तालव्य श है ना, क्या हो गया, शकारांत हो गया। पयस, पयस, पयस इसके अंत में क्या आ रहा है, दंत स आ रहा है, ये सकारांत है। जलमुच, इसके अंत में च आ रहा है और च आ रहा है तो क्या हो गया, चकारांत हो गया। अब ये ध्यान देने वाली बात और है बच्चों कि यदि त न श सब में आ रहे हैं लेकिन सबके अंत में हलंत भी है, सब में क्या है, हलंत भी लगा हुआ है, तभी तो हम इसको व्यंजन कहेंगे। और जब इस ऐसा हलंत लगे हुए शब्द आएंगे तो वो व्यंजन है, और वो व्यंजन होगा तो उसको हम अंत में आंत लगा करके शब्द बना लेंगे, तकारांत, नकारांत, शकारांत, सकारांत। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए, संस्कृत में रूप, संस्कृत में रूप अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसे चलते हैं। जैसे अब स्वरांत है, हम याद तो कर लेते हैं, अब हमें पता भी होना चाहिए अब स्वरांत है, तो हम लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, ये सारे रूप किस में आएंगे, स्वरांत में आएंगे, क्योंकि इसका अंत किससे हो रहा है, मात्राओं से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, आ ई ई ई ई, ठीक। अब व्यंजनांत, इसका अंत किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, तो ये व्यंजनांत है, जैसे भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, एक्सेट्रा, तो ये व्यंजनांत हैं। स्वरनाम, स्वरनाम ये सब तो संज्ञा की बात थी, अब स्वरनाम क्या है, सर्व, यत, तत्, एतत्, किम, अस्मद, ये सारे क्या हैं, व्यंजनांत हैं, सॉरी स्वरनाम हैं, ठीक है। अब संख्यावाचक शब्द भी होते हैं, शब्द रूप में संख्यावाचक शब्द भी होते हैं, वो एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन आदि, ये सब क्या है, संख्यावाचक शब्द हैं, इनके भी रूप चलते हैं, तो इन सारे शब्दों के रूप चलाए जाते हैं। तो हमें शब्द रूप और धातु रूप में अंतर आना, अंतर जानना, पहचानना उनको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका जो है हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर प्रश्न उत्तर कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से फिट हो जाए। अजंत शब्द रूप बनते हैं, अजंत शब्द रूप बनते हैं तो कैसे बनते हैं, संज्ञा, स्वरनाम, संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो अजंत शब्द रूप किससे बनते हैं भाई, संज्ञा की तो बनते हैं, हाँ, जिसमें जो है सारे स्वर आते हैं, व्यंजन के भी बनते हैं, लेकिन अजंत से पूछा है तो क्या हो गया, संज्ञा। जिन शब्दों के अंत में स्वर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
उन्हें कहते हैं स्वरांत। ठीक है, कवि शब्द है, कवि शब्द क्या है, अकारांत है, इकारांत, देखिए छोटा ई लगा है तो क्या हो गया, इकारांत। बहुत इजी है पहचानना। लता, लता शब्द है, लता क्या है शब्द है, देखिए आ रहा है ना, आ अकारांत है। ठीक है, आगे बढ़िए, ये देखिए जगत शब्द है, जगत शब्द अंत में क्या आ रहा है, त, वो भी हलंत लगा हुआ, तो ये कैसा हो गया, तकारांत। एक द्वि किस प्रकार के शब्द हैं, ये किस प्रकार के शब्द हैं, स्वरांत व्यंजनांत स्वरनाम संख्या शब्द हैं, स्वरांत एवं व्यंजनांत रूप है, स्वरांत और व्यंजनांत दोनों के रूप क्या होंगे, सर्वयत, ये तो दोनों ही स्वरनाम हो गए। ठीक, नदी जगत, ये हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन, तो यही ठीक है। संज्ञा स्वरनाम शब्दों में विभक्ति जोड़ने से बनता है, संज्ञा और स्वरनाम शब्द में विभक्ति जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अब हमने पहले आपको बताया ना, संज्ञा और स्वरनाम विभक्ति जोड़ देंगे वो किस काबिल हो जाते हैं, वाक्य में फिट करने के काबिल हो जाता है, तो ऐसे ही शब्द को क्या हो, क्या बन जाएंगे, वो पद बन जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और इसको एक बार और देखेंगे तो ये बहुत ही ईजी है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत को पढ़ने में ये इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होगा, बीच बीच में शब्द आएंगे ऐसे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया था। आगे हम व्याकरण के और भी चैप्टर्स करेंगे जो कि अनुवाद करने में आपके सहयोग करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों को अपने शेयर करिए। ठीक है, और इसी तरह हंसते रहिए।